रोक पाते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, बुया लेने से कोई रोक पाता या नहीं ये देखने वाली बात है। फिलहाल टीम नंबर 10 जो है वो हमारी किल लीडर है एंड ऑब्वियसली दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे नेड कास्टर्स कर्स कहे क्या कहे, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज दिया जा रहा है। ये जो तीसरा नेड है शायद बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है, लेकिन नहीं यहाँ पे ग्लू लगा दी गई है। ओ माय गुडनेस, सिर्फ नेड से, नेड के इस्तेमाल से टीम के ऊपर इतना ज्यादा डैमेज दिया जा रहा है। जो बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ वो आपको अभी तक कोई भी यूट्यूबर ने नहीं बताया है, तो कृपया करके वीडियो को जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। व्यूज और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए अभी के टाइम में और कोई स्पोर्ट्स चैनल बड़े प्लेयर और बड़े टीम का टाइटल और थंबनेल लगा के वीडियोस डाल रहे हैं, पर कोई भी अंडरडॉग टीम जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ऑफिशियल टूर्नामेंट में उसको कोई सामने नहीं ले रहा है। तो जाके उन चैनलों को प्यार बरसा देना और स्पोर्ट्स लाइव को चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे ही आपको अंडरडॉग टीम के बारे में जानना है तो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स लाइफ में। तो भाई लोग आज हम इस वीडियो में एफएफसीओ चेन्नई का वन ऑफ द बेस्ट अंडरडॉग ग्रेनेड प्लेयर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने एफएफसीओ चेन्नई फाइनल में अकेले ग्रेनेड से दो बेस्ट टीम को इलिमिनेट करके बैक टू लॉबी भेज दिया था। तो भाई लोग जिस अंडरडॉग प्लेयर की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है जेकेटीएन निखिल, जिन्होंने अपनी टीम जल्लीकट्टू टीएन को एफएफसीओ चेन्नई में नंबर वन पोजीशन में लाने के लिए बहुत ही अहम रोल निभाया था और एफएफसीओ चेन्नई का एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का टाइटल भी अपना नाम किया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको अभी के टाइम में इंडियन सर्वर के टॉप 5 बेस्ट ग्रेनेड प्लेयर के बारे में जानना है तो इस वीडियो में 1K लाइक एम टारगेट जरूर पूरा कर देना। अभी के लिए एंजॉय द वीडियो। ऐसे कोई रोक पाता है या फिर नहीं ये देखने वाली बात है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, बुया लेने से कोई रोक पाता या नहीं ये देखने वाली बात है। फिलहाल टीम नंबर 10 जो है वो हमारी किल लीडर है एंड ऑब्वियसली दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पे नेड कास्टर्स कर्स कहे क्या कहे, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज दिया जा रहा है। ये जो तीसरा नेड है शायद बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है, लेकिन नहीं यहाँ पे ग्लू लगा दी गई है। ओ माय गुडनेस, सिर्फ नेड से, नेड के इस्तेमाल से टीम के ऊपर इतना ज्यादा डैमेज दिया जा रहा है एंड दैट इज जस्ट, दैट इज गोइंग टू टेक देम डाउन। इकलौते प्लेयर बचे and DMG might just be able to pull off a booyah over here. जी बिल्कुल, कोशिश यहाँ पर जरूर ये चीज हो सकती है। और यहाँ पर फिलहाल देखेंगे जो लास्ट मैच को जो बुया विनर थे वो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर बखूबी दिखाई दे रही है। तो देखते हैं क्या ये वापस से लाइक बुया निकाल पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि भाई जिस हिसाब से टीम यहाँ पर बनी हुई है उस हिसाब से तो यही लगता है कि बॉस बुया आपकी बार फिर से यही उठाएंगे। एंड देखते हैं आगे की तरफ मूव होते टाइम इनको कोई रोक पाता या फिर नहीं, क्वेश्चन यही रहेगा। क्योंकि भाई एट दी एंड इन्होंने एक बुया निकाला है, 20 पॉइंट इनके पास हो चुके हैं, बस इनको सिर्फ पीछे से उनको पुश कर रहा था, आगे से यहाँ पर टीम उनको रोक रही है। एंड जी हाँ यहाँ पर कवर जरूर बनाया गया है, हमारी जो जल्लीकट्टू की टीम वो फिलहाल जरूर डैमेज देने की कोशिश कर रही है। हैप्पीनेस फिलहाल यहां पे प्लेस उनसे डाउन हो जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली उनके भी के लिए यहां पे निकाली जाएगी, धोनी भी फिलहाल वहां पे प्लेस उनसे डाउन हो जाएंगे। एंड जी हां यहां पर अगर आप देखेंगे जो हमारी टीम है, टीम हमारी जो थी हमारी M97 वो फिलहाल देखते-देखते यहां पे फिनिश हो गई, जोन में ही नहीं घुस पाई और अब हमारी जो जल्लीकट्टू की टीम है वो फिलहाल यहां पर बनी हुई है। ग्रेनेड आगे की तरफ डाला गया, क्या ये वर्थ इट होने वाला है? जी हां देखते-देखते टायर्ड एंड स्पोर्ट्स वंस अगेन वापस लॉबी की तरफ रवाना करेंगे एंड जल्लीकट्टू ओ बुयास बैक टू बैक। मामा जी Let it go, let my body go, let my body's high.